हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा थर्ड चैप्टर है पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट उसका टॉपिक देखेंगे, पॉलिटिकल कंटेस्टेशन। तो सबसे पहले हेडिंग समझ लो, पॉलिटिकल यानी कि राजनीति, कंटेस्टेशन यानी कि संघर्ष। तो राजनीति क्या होती है? राजनीति होती है कुछ एक दो तीन कुछ ग्रुप्स के बीच में अलग अलग आइडियोलॉजी होना, अलग अलग ग्रुप्स की, फिर इनके बीच में मतलब कंपटीशन होना कि किसकी आइडियोलॉजी बेस्ट है, या फिर काम चलाना आपस में कि मतलब कोई नहीं कि मेरी आइडियोलॉजी भी बेस्ट नहीं है, तेरी भी बेस्ट नहीं है, मिलके काम कर लेंगे। तो ये जितनी बातें होती हैं ये पॉलिटिक्स में आती हैं, ठीक है। और कंटेस्टेशन क्या होता है कि संघर्ष। तो अब जो पॉलिटिक्स की अलग अलग आइडियोलॉजी है इनके बीच में संघर्ष होगा उसे बोलेंगे पॉलिटिकल कंटेस्टेशन। तो इनके बीच में क्या संघर्ष होगा, ए बोलेगा कि नहीं भाई मेरी ही सही है, तो वो अपनी आइडियोलॉजी के लिए लड़ाई करेगा, प्रोटेस्ट करेगा पीसफुली। फिर बी बोलेगा कि ये जो सेकंड है ये बोलेगा कि मेरी आइडियोलॉजी सही है, तो ये अपनी आइडियोलॉजी के लिए प्रोटेस्ट करेगा। तो हर बंदा अलग अलग प्रोटेस्ट कर रहा है। फिर जो जमाने के प्राइम मिनिस्टर वगैरह हैं उनका काम क्या होगा, इनको एक कंसेंसस पे लेके आना और इनकी बातें कराना और फिर इनसे एक कोई सोल्यूशन निकालना। तो ये तो हमने हेडिंग समझ ली। तो अब जानते हैं मेन टॉपिक की बात। टॉपिक में बता रखा है सबसे पहले जो ओडिशा था उसका केस, जो हमने पिछली वीडियो में देखा कि भाई उधर की जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसने कर लिया था MOU साइन बाहर के बिजनेसमैन वगैरह के साथ, और उसके खिलाफ थे ट्राइबल लोग और कौन से लोग, एनवायरमेंटलिस्ट का कहना था कि भाई फॉरेस्ट खत्म हो जाएंगे जिससे हमारा एनवायरमेंट हार्म होगा। ट्राइबल लोगों का कहना था कि भाई ये फॉरेस्ट हमारे घर हैं और हमारी जमीन है, इधर तुम हमें भगा के इधर से काम करोगे तो हम तो कहा ही जाएंगे। तो ये बात थी ट्राइबल लोगों की, ये थी एनवायरमेंटलिस्ट लोगों की। तो अब मुद्दा उठता है कि भाई अब जो डिसीजन है इंडस्ट्री लगाने का, तो इंडस्ट्री लगाने का डिसीजन कौन लेगा, अब इंडस्ट्री कौन लगाएगा? तो सबसे पहले इंडस्ट्री, अब हमारी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी क्या होती है, फॉर द पीपल बाय द पीपल टू द पीपल, जो भी थी तो पीपल होते हैं इसमें मेन। तो डेमोक्रेसी में कोई भी काम होगा तो वो पीपल्स के द्वारा कराया जाएगा, यानी कि उधर के जो लोग चाहेंगे वही होगा। लेकिन एक हद तक एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी भी बात सुननी पड़ेगी। जो एक्सपर्ट्स हैं, जो एनवायरमेंटलिस्ट लोग हैं, जो कि एक्सपर्ट है, उन्हें पता है कि भाई अगर ये काम करोगे तो एनवायरमेंट को ये हार्म होगा या फिर ये दिक्कत आएगी जिसकी वजह से तुम घाटे में चले जाओगे, तो उनकी बात भी सुननी चाहिए। क्या पता लोग कल को कह दे कि भाई डिमोनेटाइजेशन ले आओ वापस से। तो वैसे थोड़ी है कि एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि भाई डिमोनेटाइजेशन लाने से इकोनॉमी हार्म हो जाएगी और पीपल बोल रहे हैं ले आओ, तो ऐसे थोड़ी की ले आएंगे। तो एक्सपर्ट्स की भी सुननी चाहिए एक हद तक। लेकिन अब ये भी नहीं है कि पूरी ही एक्सपर्ट्स की सोच कर चलें कि एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि ये होगा तभी देश आगे चलेगा तो वही करवा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। डेमोक्रेसी है, पीपल की है, तो पीपल की भी सुननी चाहिए। और अगर इन दोनों में लड़ाई हो कि पीपल्स का जो मत है वो अलग डायरेक्शन में जाए और एक्सपर्ट्स का मत है अलग डायरेक्शन में जाए, तो हमें पीपल की ही सुननी पड़ेगी, भले ही पीपल गलत हो, तो हमें लोगों की ही सुननी पड़ेगी। और अब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे एरिया में लाखों लोग हैं, मतलब इंडिया में 140 करोड़ लोग हैं, तो अब तुम 140 करोड़ लोगों की बात तो सुन नहीं सकते। उसके लिए तुम्हारे पास है रिप्रेजेंटेटिव्स। कौन है भाई? MPs, MLAs या फिर जो सरपंच वगैरह हैं, ये सब तो ये सब होते हैं लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स, क्योंकि लोगों ने वोट करके ही इन्हें चुना हुआ होता है, ठीक है। तो अब इनको वोट करके चुना है यानी कि लोग इनकी बात से पूर्णतः सहमत हैं, ठीक है। तो अब लाखों लोगों से पूछने की बजाय इन MPs से पूछ लेते हैं, इन MLA से पूछ सकते हैं, इन सरपंच से पूछ सकते हैं। तो एनवायरमेंटलिस्ट या फिर एक्सपर्ट लोगों की सुनते हैं, लेकिन अगर उनके मत अलग चलते हैं, उन लोगों के मत अलग चलते हैं, तो हमें MPs MLAs की ही सुननी पड़ती है। यानी कि इन दी एंड कोई भी डेमोक्रेसी में कोई भी काम होगा तो वो MP MLA की ही मर्जी से होगा, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स की ही मर्जी से होगा। यानी कि जो हमारा मुद्दा था कि भाई इंडस्ट्रीज कौन बनाएंगे, अब यानी कि अब इंडस्ट्री सेटअप करनी है कि नहीं ये डिसीजन कौन लेगा, जो डिसीजन था कि इंडस्ट्री सेटअप करनी है कि नहीं ये डिसीजन कौन लेगा, ये डिसीजन भाई MP MLA ही लेंगे, जो पॉलिटिशियंस हैं वो ही लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो पीपल्स के रिप्रेजेंटेटिव है, ये बात बता रखी है। उसके बाद बता रखा है कि जो लोग थे डेवलपमेंट से लोगों का क्या मतलब था, कि मतलब लोग डेवलपमेंट से क्या चाहते थे। तो जो मोस्टली लोग थे उनका मानना था कि जो डेवलपमेंट है वो दो तरह की होनी चाहिए, कि जो हमारी इकोनॉमी है वो भी बढ़नी चाहिए, हमारी इकोनॉमी ग्रोथ भी होनी चाहिए, कि हमारी इकोनॉमी आज $1 trillion की है तो कल को $5 trillion की भी होनी चाहिए, ये है इकोनॉमिक ग्रोथ, ये भी होनी चाहिए। लेकिन उनका मानना था कि सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, उनके साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस भी होनी चाहिए, इकोनॉमिक
जस्टिस भी होनी चाहिए। यानी कि जो सोशल जस्टिस है वो क्या है कि भाई कोई एक ग्रुप है, मान लो कोई कास्ट है, जैसे आज के टाइम पीरियड पे ब्राह्मिन्स है, ब्राह्मिन्स, और दूसरा ग्रुप है शूद्रास। तो शूद्र जो लोग हैं या फिर दलित जिन्हें बोलते हो तुम, तो दलित जो लोग हैं उनको आज के टाइम पीरियड पे भी लोअर समझा जाता है। उनके साथ आज के टाइम पीरियड पे भी बहुत ज्यादा हद तक मतलब डिस्क्रिमिनेशन करा जाता है। पहले के टाइम पीरियड के कंपैरिजन में कम होता है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन आज के जमाने में भी एग्जिस्ट करता है। कौन करते हैं? अपर कास्ट के लोग करते हैं, ठीक है। तो अपर कास्ट के लोग और लोअर कास्ट के लोग इनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता है। अगर ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाए यानी कि उनको सोशल जस्टिस मिल गई, ठीक है। इकोनॉमिक जस्टिस क्या होती है? इकोनॉमिक जस्टिस ही होती है, जैसे एक अडानी है और एक तुम, तुम्हारे पास है भाई 20,000 रुपए, अडानी के पास है भाई 20 करोड़ रुपए। तो अडानी और तुम में इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, तो इसकी भी जस्टिस होनी चाहिए भाई। तुम्हें भी बराबर मतलब मौका मिलना चाहिए ताकि तुम भी इकोनॉमिकली ग्रो कर सको। तो ये हो जाएगी इकोनॉमिक जस्टिस, यानी कि जो गरीब लोग हैं उन्हें भी बराबर मौका दिया जाए ताकि वो डेवलप हो सके, उनको भी जस्टिस मिल सके। और जो सोशल जस्टिस है वो है कि भाई जो जिन लोगों को सोशली पीछे समझा जाता है, सोशली बैकवर्ड समझा जाता है, सोशली बैकवर्ड ट्रीट किया जाता है उनके साथ, तो उन लोगों को भी जस्टिस मिले और वो भी बराबर पे आ सके, ठीक है। वो भी बराबर पे आ सके, शूद्र और ब्राह्मण बराबर पे आ सके। तो ये है सोशल जस्टिस और ये है इकोनॉमिक ग्रोथ। तो हमारे जो लोग थे उनका ये मानना था कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी होनी चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अडानी ही कमा रहा है, सिर्फ अंबानी ही कमा रहा है। ये मैं आपको एग्जाम्पल देकर इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको जल्दी समझ आ जाए कि मतलब देश के आधे पैसे कुछ लोग लेके बैठे हैं और जो बाकी लोगों में 20,000 रुपए कमा रहे हैं, तो ये थोड़ा सा गलत है क्योंकि इसमें इकोनॉमिक जस्टिस नहीं है। तो हमारे लोगों का मानना था कि सब लोग मोस्टली बराबर हों, या फिर थोड़े बहुत इनइक्वालिटी तो चलती है भाई हर जगह होती है, लेकिन मोस्टली जो लोग हैं वो पूरे तौर से बराबर हों, इकोनॉमिक जस्टिस हो। तो ऐसा मानना हमारे उस जमाने के लोगों का था। और फिर उनका ये भी मानना था कि अब ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी अब ये इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हमें इक्वालिटी के साथ करनी है तो हम इन्हें प्राइवेट के हाथ में नहीं छोड़ सकते। क्योंकि अगर तुम प्राइवेट लोगों के हाथ में छोड़ोगे तो वो कुछ ही लोगों को फायदा कराएंगे। यानी कि प्राइवेट जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं उनमें अगर आप भी गए हो कंपनीज वगैरह में, तो आपको भी ये पता होगी ये बात कि भाई जो लोग हैं गरीब लोग हैं उनसे 20,000 से कम में काम कराएंगे और अपना लाखों का प्रॉफिट करोड़ों का प्रॉफिट खुद रख लेंगे। तो ये प्राइवेट इंडस्ट्री का माइंडसेट होता है। वही दूसरी ओर जो पब्लिक इंडस्ट्री होती है वो लोगों को 50,000 देगी और अपने पास कम रखेगी, मतलब लाखों तो रखेगी पर बहुत कम मात्रा में रखेगी, और उन लाखों को भी लोगों पे ही इन्वेस्ट करेगी। ये होती है पब्लिक इंडस्ट्री, जो गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज होती हैं। जैसे गवर्नमेंट के जो टीचर्स होते हैं उन टीचर्स की सैलरी भाई 1-2 लाख होती है, लेकिन वही दूसरी ओर जो प्राइवेट के टीचर्स होते हैं उन्हें तुम 20,000-50,000 में काम करते देख लोगे, तो वो ये होती है इनइक्वालिटी। तो इससे तुम ये समझ सकते हो कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो इनइक्वालिटी को बढ़ावा देते हैं जाने अनजाने में, ठीक है। और वही दूसरी ओर पब्लिक जो सर्विस हैं, पब्लिक जो इंडस्ट्रीज हैं, वो इंडस्ट्रीज इनइक्वालिटी को कम करती हैं, इक्वालिटी को बढ़ाती हैं वो, ठीक है। तो उस जमाने में मोस्टली लोगों को मानना था अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है तो इकोनॉमिक ग्रोथ को तुम प्राइवेट प्लेयर्स के हाथ में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि वो सारी इकोनॉमिक ग्रोथ अपनी फैमिली के लिए कर लेंगे भाई, सारा पैसा खुद रख लेंगे, लोगों को इतना पैसा नहीं कमाने देंगे, ठीक है। तो इसीलिए उन लोगों का मानना था कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें जो गवर्नमेंट है उसका भी रोल होना चाहिए, उसका भी बहुत हद तक रोल होना चाहिए ताकि लोगों का भला हो सके। लेकिन इससे भी बहुत सारे सवाल उठते हैं, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं। कैसे क्वेश्चंस? कि गवर्नमेंट का रोल कैसा होना चाहिए, व्हाट काइंड ऑफ रोल गवर्नमेंट का रोल है वो कैसा होना चाहिए, किस काइंड का रोल होना चाहिए, कि भाई रोल ज़्यादा हो गवर्नमेंट का, कि भाई सारे ही जितने रिसोर्सेज सारे गवर्नमेंट लेके बैठी है और फिर उसके बाद सबको बराबर बांट रही है, क्या ऐसा होना चाहिए? या फिर ऐसा होना चाहिए कि गवर्नमेंट सबकी बेसलाइन एक कर दे, कि सबको फ्री एजुकेशन कर दे, फ्री हेल्थ केयर कर दे, फ्री ट्यूशन फीस वगैरह जितना भी था ये सब कुछ फ्री कर दे, ताकि जो लोग हैं अपने आप बराबरी पे आ जाएं, या फिर ऐसा रोल होना चाहिए? तो ये भी मैटर करता है गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए जस्टिस एंश्योर करने के लिए। उसके बाद बता रखे कि जो गवर्नमेंट है क्या उसे एक सेंट्रलाइज इंस्टीट्यूशन बनाना चाहिए, कि मतलब कोई एक इंस्टीट्यूशन है जो पूरे देश की, पूरे इंडिया की डेवलपमेंट को प्लान कर रहा है, पूरे इंडिया की जो डेवलपमेंट है उसे प्लान कर रहा है, कि मतलब हमारा 140 करोड़ पॉपुलेशन का देश है और इतना बड़ा देश है और इस पूरे इंडिया की जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ एक बॉडी है वो प्लान कर रही है, कैसा होना चाहिए? कि जो नेशनल प्लानिंग कमीशन है तो वो प्लानिंग कमीशन इकलौता बैठ के पूरे इंडिया की डेवलपमेंट प्लान कर रहा है, क्या ऐसा होना चाहिए? ये सवाल भी उठता है। या फिर ऐसा होना चाहिए कि भाई हर स्टेट का अलग डेवलपमेंट प्लान हो, कि हरियाणा है, हरियाणा की जो कंडीशंस है वो अलग है, उसके हिसाब से उसका प्लानिंग कमीशन अलग हो, पंजाब की जो कंडीशंस है वो अलग है उसके हिसाब से उसका प्लानिंग कमीशन अलग हो, राजस्थान में पानी की कमी है इसलिए उसके हिसाब से उसका प्लानिंग कमीशन अलग हो, तो सबका अलग होना चाहिए। तो ये भी मत थे कि भाई नेशनल होना चाहिए या फिर डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए। उसके बाद एक और बात उठती है कि भाई जो गवर्नमेंट है
क्या उसे खुद से इंडस्ट्रीज बनानी चाहिए कि गवर्नमेंट की खुद की पब्लिक इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि भाई जो आज के टाइम पीरियड पे जो सेल वगैरह हैं, सेल गेल ये जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, फिर उसके बाद ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, HAL, हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड, तो क्या ये सब होनी चाहिए इंडस्ट्रीज जो पब्लिक इंडस्ट्रीज है गवर्नमेंट की, क्या ये सब होनी चाहिए? या फिर एक और सवाल उठता है कि जो जस्टिस है, जस्टिस को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए या फिर नहीं देनी चाहिए? अगर जस्टिस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों अलग अलग राह पे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों अलग अलग राह पे हैं, कि जो हमारी इकोनॉमी है वो हमारी इकोनॉमी जब ही बढ़ेगी जब हम जस्टिस को बढ़ावा ना दें। क्यों भाई? मान लो जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जैसे कि बिल्डर्स हैं, अब उस ज़माने में क्या थी, हमें लानी थी जस्टिस, तो जस्टिस के लिए गवर्नमेंट क्या कहेगी बिल्डर्स को कि भाई तुम्हारे जितनी हजारों एकड़ की फैक्ट्रीज हैं वो सारी हम गवर्नमेंट के अंडर में ले रहे हैं और गरीबों में बांटेंगे फ्री में, बराबर बराबर। तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ तो हैम्पर होगी, क्योंकि भाई हर गरीब को इंडस्ट्री चलानी नहीं आएगी, हर गरीब को एरिया कंट्रोल करना नहीं आएगा जितना अच्छा बिल्डर्स को आता होगा, क्योंकि उनकी एक प्रैक्टिस बन चुकी थी उस चीज़ पे। तो अगर बिल्डर्स उस चीज़ को हैंडल करते तो वो ज़्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ करते, लेकिन वो इकोनॉमिक ग्रोथ किसी काम की नहीं होती, क्योंकि जो गरीब लोग हैं उन गरीबों को भाई इक्वालिटी से हिस्सा नहीं मिला उसमें। तो अब सवाल उठता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसे ऊपर रखें या फिर जस्टिस को ऊपर रखें कि भाई लोगों में बराबर पैसा बांटे, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ करे भाई तगड़ी, पैसा तो बाद में बढ़ता रहेगा। तो ये चीज़ में क्या फोकस रखना चाहिए? तो ये जितने भी सवाल उठे थे ये उस टाइम पीरियड पे उठे थे जो कि लोगों के सामने थे, और इन सब सवालों के आंसर को हम इस चैप्टर में देने की कोशिश करेंगे। फिर अभी जितने भी सवाल हैं कि भाई जस्टिस ऊपर रखें या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ को ऊपर रखें, गवर्नमेंट को इंडस्ट्रीज में आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, गवर्नमेंट का किस प्रकार का रोल होना चाहिए, और जो इंस्टीट्यूशनल है प्लानिंग कमीशन, ये सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए या फिर डिसेंट्रलाइज्ड होना चाहिए, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हैं, कि इस पे कुछ लोगों की अलग राय है, कुछ लोगों की अलग राय है। तो इसमें उनके बीच में स्टार्ट होगी कंटेस्टेशन, जो हमारी हेडिंग है सब टॉपिक की, पॉलिटिकल कंटेस्टेशन, संघर्ष। तो इस पे लोगों के बीच में संघर्ष स्टार्ट होगा, अगर इन लोगों की मान ली तो ये लोग नाराज हो जाएंगे, इनकी मान ली तो ये लोग नाराज हो जाएंगे। अब इनके बीच में होगा मेन संघर्ष स्टार्ट, और ये जो संघर्ष है जब का चल ही रहा है, यानी कि अगर तुम इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं उन्हें इंडस्ट्री दे देते हो बना के, मतलब किसी एरिया में जंगल वगैरह में, तो ट्राइबल लोग प्रोटेस्ट कर देने लग जाते हैं, आज के टाइम पीरियड पे भी कर रहे हैं, जैसे हसदेव का जो जंगल है छत्तीसगढ़ में फिलहाल, उसमें 2022-2023 इनमें प्रोटेस्ट हुए हैं हसदेव के जंगल के में जो इंडस्ट्रीज लग रही है अडानी की, उसके खिलाफ दिसंबर वगैरह में प्रोटेस्ट चले थे दिसंबर 2023 में, ठीक है। तो भाई ये भी एक मुद्दा है आज के टाइम पीरियड तक भाई कंटेस्टेशन संघर्ष वगैरह चल रहे हैं, यानी कि हम 1947 में आज़ाद हुए थे और 2024 आ गई, अब तक ये संघर्ष चल रहा है लोगों के बीच में। फिर अब इन संघर्षों की वजह से भाई बहुत सारे पॉलिटिकल डिसीजंस निकल के आए हैं, कि मतलब लोगों की बातचीत कराई गई है, अलग अलग जो डाइवर्जिंग ओपिनियंस के लोग थे उनकी बातचीत कराई है, और फिर उनको कंसेंसस पे लाके बहुत सारे अलग अलग डिसीजंस निकाले गए हैं, उनके अलग अलग पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हुए हैं, उनमें बहुत सारी जजमेंट्स दी गई हैं सुप्रीम कोर्ट्स की, और बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, पब्लिक का भी अप्रूवल वगैरह ये सब लगा है, तो बहुत डाइवर्स चीज़ें थी ये, और इन सब चीज़ों को हम जानेंगे इस चैप्टर में। तो हम ये जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है इंडिया की पूरी, तो हमारी जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है, जो इंडिया जितनी बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है, तो इसके पीछे क्या क्या डेवलपमेंट का प्रोसेस था, क्या क्या लोगों की बलिदानी थी, कौन कौन से ग्रुप्स ने बलिदान दिया भाई अपनी आइडियाज़ का, अपने सेक्रीफाइसेस दिए बहुत सारे, तो जितनी बातें हैं हम जानेंगे, और हम इस डेवलपमेंट के प्रोसेस को पॉलिटिकल हिस्ट्री की तरह जानेंगे, पॉलिटिकल हिस्ट्री की तरह। हिस्ट्री इसलिए क्योंकि भाई ये फिलहाल से पुरानी बात है डेवलपमेंट की, और पॉलिटिकल इसलिए क्योंकि इसमें पॉलिटिकल डिसीजंस भी लिए गए हैं बहुत सारे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, जितना मैं पढ़ा सकता था जितने डिटेल्ड वे में मैंने पढ़ा दिया। थैंक यू।